आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अंबाड़ा का जर्जर आदिवासी बालक छात्रावास देख उखड़े जिला पंचायत अध्यक्ष, अधिकारी को वीडियो बनाकर भेजा, कार्रवाई होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने गुरुवार को अंबाड़ा स्थित आदिवासी छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। छात्रावास के जर्जर भवन की हालत देखकर जिला पंचायत अध्यक्ष बेहद नाराज हुए। हालात ये थे कि छात्रावास के कमरों में सीपेज का पानी रिस रहा था। जिन बीम पर छात्रावास खड़ा है वो बुरी तरह से टूटकर जर्जर हो गए। आदिवासी बालक आश्रम के हालात इतने खराब कि यहां रह रहे प्राथमिक शाला के 50 आदिवासी बच्चों की जान पर बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने तत्काल वीडियो बनाकर एसी ट्राइबल को भेजा और उनसे तुरंत फोन पर चर्चा की। अधिकारी ने बताया जिस ठेकेदार को यहां मरम्मत का काम करने के लिए सौंपा गया था उसने भारी लापरवाही बरती। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारी से कहा मासूम आदिवासी बच्चों की जान से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया अंबाड़ा के आदिवासी बालक छात्रावास का भवन तो जर्जर हो गया लेकिन उसके आसपास नई बाउंड्री वॉल निर्मित की जा रही है। ये खुली लापरवाही और भर्राशाही है जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। गौरतलब है जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार प्रतिदिन जिले के 2 गांवों का दौरा करते हैं और इस दौरान कई मामलों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा से राजा मंसूरी की रिपोर्ट। आज आदिवासी छात्रावास के निरीक्षण करने के लिए मैं अंबाड़ा आया था तो यहाँ पर मुझे देखने में ये पता लगा कि ठेकेदार द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया गया और लगभग जनवरी की माह से ये निर्माण कार्य पूरा बंद कर दिया। हॉस्टल की स्थिति में देख रहा हूँ कि प्रत्येक कमरे में स्लेब झड़ गया है, टाइल्स टूटी हुई है, बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो सारी सिपेज मार रही है। अगर छात्रावास की यही स्थिति रही तो इस जर्जर अवस्था की स्थिति में ये बिल्डिंग गिर जाए। अब मेरे को मजबूरन विभाग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दबाव की स्थिति बन गई है। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इस तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से काम हो रहे हैं और इन कामों को जिस तरह से किया जा रहा है और जिन ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है उसमें जवाबदार जो एसी ट्राइबल हैं उनकी जवाबदारी है, उनके इंजीनियरों की जवाबदारी है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर वैसी कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पर निरीक्षण किया गया हो और लाखों रुपए की बंदरबांट हो गई। जब बिल्डिंग गिरने वाली है तो बाउंड्री वॉल बना के फ़ायदा क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आता। पहले बिल्डिंग की आवश्यकता थी कि बाउंड्री वॉल की? इस तरह की अनदेखी आदिवासी वित्त विकास द्वारा किया जा रहा है और आदिवासी जो छात्रावास है ये एक है, पूरे ज़िले की क्या स्थिति है ये बिल्डिंग देखने से समझ में आती है। अभी मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा और संभवतः जो भी मेरे द्वारा तैयारी हो रही है मैं देखने के बाद कलेक्टर से भी बात करूंगा और एसी ट्राइबल से भी बात करूंगा कि आपने क्या काम करवाया।